बुंदेलखंड के फोटोग्राफर एसोसिएशन करेड़ा सम्मेलन के मुख्य अतिथि साहित्यकार सतीश श्रीवास्तव के मुख्य आतिथ्य में किया गया। सम्मेलन में फोटोग्राफी कार्य से जुड़े सूरज माहौर की असमय सड़क दुर्घटना में मौत होने पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही एसोसिएशन की ओर से सूरज के परिवार को 76,000 की राशि FDR भेंट की गई। इस दौरान फोटोग्राफरों को उन्नयन के लिए जानकारियां और संगठन को मजबूत करने की बात कही गई। सम्मेलन में संगठन के पदाधिकारियों ने सरकारी विभागों में फोटोग्राफर के पदों पर नियुक्ति की मांग भी उठाई। उपस्थित मीडिया कर्मियों ने इस मुद्दे को सरकार तक पहुंचाने का आग्रह किया। कार्यक्रम में करेरा के वयोवृद्ध फोटोग्राफर हरलाल साहू को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। आयोजन में अन्य फोटोग्राफर्स और पत्रकारों का सम्मान किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि साहित्यकार सतीश श्रीवास्तव ने कहा कि एसोसिएशन ने सूरज के परिवार को सहायता देकर मिसाल कायम की है, वो तारीफ़ काबिल है। उन्होंने कहा कि कहानी के माध्यम से बताया कि दूसरों के लिए अपना त्याग करने वालों को कैसे सब कुछ मिलता है। इस आयोजन में झांसी के साथ बुंदेलखंड अंचल के फोटोग्राफर, फोटो व्यवसाय से जुड़े लैब संचालक भी उपस्थित थे। आपको बता दें कि उपस्थित जनों में झांसी फोटोग्राफर एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल, शिवपुरी फोटोग्राफर एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्मेंद्र जोशी, हल्ला साहू, राकेश निगम, राकेश प्रजापति के साथ ही संजय जायसवाल, शिवम कलर, लेव अंकुर गुप्ता, मनोज रेजा, लक्ष्मी नारायण लहरिया, राजीव साहू, दिलीप सिंह झांसी, मनोज विमल आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन करेरा अध्यक्ष सुनील साहू मामा ने किया। परिवार आप समस्याओं को दिखाते हैं, हम खुशियों को दिखाते हैं, बस इतना सफर के हमने और आप में है ना। तो जीवन साथी भी फोटो में देख के पसंद करते हैं तो हम लोग इतने पीछे क्यों है, इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। चंद दिनों पहले ही बने एक छोटे से संगठन ने एक बड़ा रूप ले लिया और आज इतना बड़ा काम कर दिया। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है कि हमने अपना साथी जो खोया है उसके परिवार के साथ खड़े हो गए हैं। ये तो सहयोग राशि तो एक नाममात्र की छोटी सी राशि है, लेकिन जो यहाँ परिवार के सभी सदस्यों ने जो आश्वासन दिया है वो बहुत ही अनमोल है, अमूल्य है कि माँ तुमने सूरज जरूर खो दिया है लेकिन तुम्हारे सामने अब इतने सारे सूरज खड़े हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं। जब हम किसी का सहयोग करते हैं तो निश्चित रूप से ऊपर वाला हमारा सहयोग करने के लिए चार कदम आगे बढ़कर आ जाता है।